गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फुटपाथ बन गया। जिस इंजीनियर ने इस फुटपाथ को बनाया उसे फ़ायदा हो गया, जिस ठेकेदार ने फुटपाथ को बनाया उसे फ़ायदा हो गया, जो नेता इस फुटपाथ में शामिल है उसे फ़ायदा हो गया, लेकिन ये फुटपाथ जिन लोगों के लिए बनाया गया था उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस जगह को देखिए, अगर कोई आदमी उधर से बटलाहा की तरफ से फुटपाथ पर आना चाह रहा है तो कैसे आएगा? यहाँ तो बीच में झाड़ी है ठीक फुटपाथ पर, और अगर वो नीचे उतर जाए किसी वजह से तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है क्या उससे उसको धक्का नहीं लग जाएगा? सोचिए आप, एक तो इलीगल ये भाई साहब गुजरे इधर से, ये दूसरा भी गुजरा इस फुटपाथ से। कोई बताए मुझे कि मैं कैसे गुजरूँ, कैसे जाऊँ? कोई भी आदमी जिसको अकल होगी वो अपना दिमाग लगाए कि भला आदमी इस पर पैदल कैसे चलेगा, झाड़ियों के अंदर घुस के तो जाएगा नहीं। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस और ओखला हेड के बीच में जो एक फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँगा इस फुटपाथ पे चल के कि अगर आप बटला हाउस से ओखला हेड की तरफ पैदल जाना चाहें तो रास्ते में क्या कुछ परेशानी आती भी है या नहीं आती है, या उस फुटपाथ पर चलकर आराम से आप ओखला हेड तक चले जाते हैं। आप सबको मालूम होगा कि फुटपाथ के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा हुआ है कि फुटपाथ जहाँ भी हो वो पूरी तरह से साफ़ होने चाहिए, उस पर किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, न तो किसी दुकानदार की तरफ से कोई रुकावट हो, न ही सरकार की तरफ से रुकावट हो, और फुटपाथ कुछ इस तरह के बने होने चाहिए कि पैदल चलने वालों को कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो आज मैं आपको बटला हाउस चौक से पास से लेकर ओखला हेड तक फुटपाथ पर चल के दिखा रहा हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये फुटपाथ सही बना हुआ है, आपके लिए सही है, जो लोग पर चलते हैं उनके लिए सही है, या सिर्फ एक बकवास है। ये देखिए, ये फुटपाथ है जो बना हुआ है ओखला हेड तक जाएगा। ये रास्ता देखिए, ये बटला हाउस चौक है, ये देख लें आप सब लोग, ये बटला हाउस मेन चौक है, यहाँ से ये फुटपाथ शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये शुरू है, मान लीजिए यहाँ से आपने चलना शुरू किया, मैं भी चल रहा हूँ। देखिए आप, ये आ गया रास्ते में कूड़ा, ये देख लीजिए आप, ये ना तो अमानत की गलती है, नहीं नाजिया दानिश की गलती है, ये उन लोगों की गलती है जिसने रास्ते में कूड़ा फेंक दिया है। वो दुकानदार, उनको शर्म नहीं आती, वो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं आगे चलना शुरू कर रहा हूँ पैदल, ये मैं जा रहा हूँ पैदल, यहाँ मिला ये फुटपाथ है, देख लीजिए आप, लोग जा रहे हैं, ये देखिए। अब मुझे यहाँ से चलना था लेकिन रास्ते में ये कूड़ा आ गया, और एक साहब ने किसी ने अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, देख लीजिए। अब पैदल चलने वाला आदमी कैसे जाएगा वो समझ रहे होंगे आप। अब फिर मैं आगे जा रहा हूँ, देखिए आप, ये यहाँ किसी ने अपनी कार लगा दी है, ये देखिए आप, यहाँ किसी भाई साहब ने पेशाब कर दिया, देखिए कितनी गंदगी फैलाया हुआ है। फुटपाथ इसलिए बनता है कि आदमी उस पर चले पैदल, और आसानी से जहाँ उसको जाना है वो चला जाए, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आए। यहाँ देखिए, हम चल रहे हैं पैदल, तो यहाँ बीच में एक पेंटर है, ये रेगुलर रहते हैं, हालांकि इन्होंने कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया हुआ, जगह यहाँ पर है, फिर भी ये पेंटर यहाँ पर रेगुलर बैठता है, अभी ये नहीं बैठा हुआ। ठीक, ये बीच में आ गया मेट्रो का पिलर, ये है तो फुटपाथ ही है लेकिन बीच में मेट्रो का पिलर भी आया हुआ है। अब हम यहाँ देखिए आ गए ये फुटपाथ पे, ये आ गए दोबारा, ये गंदगी देखिए, ये फुटपाथ है उसी पर आपको ये गंदगी दिख रही है। हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हम जाएंगे ओखला हेड की तरफ, हम चल रहे हैं पैदल फुटपाथ पर ओखला हेड की तरफ जाने के लिए। तो ये देखिए रास्ते में ये झाड़ी है फुटपाथ पर, कोई भी आदमी जिसको अकल होगी वो अपना दिमाग लगाए कि भला आदमी इस पर पैदल कैसे चलेगा, झाड़ियों के अंदर घुस के तो जाएगा नहीं। देखिए बस जा रही है, अगर आप यहाँ नहीं गए और मान लीजिए झाड़ियों से घुस के यहाँ नीचे उतर गए ऐसे, तो ये ख़तरा है कि जो लोग इधर से आ रहे हैं वो आपके बदन पे चढ़ जाएंगे। देख लीजिए आप, अगर ऊपर गए तो यहाँ झाड़ी है, कैसे जाएंगे? देखिए ये फुटपाथ है और यहाँ पर बनी हुई है झाड़ी, तो आप भला इस झाड़ी से कैसे जाएंगे? चलिए, हमने झाड़ी को पार करके ऊपर फिर चढ़ गए हम फुटपाथ पे, यहाँ आ गए। अब यहाँ देखिए, ये मेट्रो का पिलर है बीच में, इतनी सी पतली सी जगह है जिसमें आपको जाना है, या तो आप इससे गुजरिए पतली गली से, पतले रास्ते से, या नीचे उतरिए। नीचे उतरेंगे तो ये लोग जो आ रहे हैं वो आपको धक्का मार देंगे, ख़तरा है, आपको चोट लगेगी, जान जाने का भी ख़तरा है। ये चलना शुरू किया हमने, ये जो इलीगल लोग आ रहे हैं ये भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं पैदल चलने वालों को, ऊपर तो खराब जा ही नहीं सकते, नीचे उतरेंगे तो इनकी वजह से भी डिस्टर्ब होगा, जो लोग उल्टा आ रहे हैं।
तो ये देखिए हम चलना शुरू कर रहे हैं, ये कुछ हद तक कुछ दूर तक अच्छा रास्ता है, आप पैदल यहाँ पे चल सकते हैं। कुछ दूर तक हम चले बेहतर, और उसके बाद देखिए फिर ये झाड़ी आ गई, ये फुटपाथ है जिस पे झाड़ी निकली हुई है। तो देख लीजिए आप इस पे कैसे चलेगा आदमी, सोचिए मैं जाऊँगा अगर तो धक्का लग जाएगा झाड़ी में, और नीचे उतरूँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। देखिए एक तो ये आदमी लीगल आ रहा है ऊपर से उल्टा, दूसरे ये देखिए इधर से लोग आ रहे हैं। तो क्या जो लोग यहाँ पे चलना शुरू करेंगे पैदल यहाँ पे, उनको जो पीछे से बस आ रही है, ट्रक आएगा, ई रिक्शा आएगा, रिक्शा आएगा, कुछ भी आएगा वो मार देगा। ये रोड पे ही झाड़ी है, देख लीजिए आप, ये फुटपाथ पे झाड़ी जिस पे पैदल चलना चाहिए, पैदल चलने का जो रास्ता बना हुआ है वहाँ पर झाड़ी है। और आप ऐसे चलेंगे तो देखिए ये गाड़ी वाला आ रहा है वो मुझे मार देगा, चोट लग जाएगी हमें। अब यहाँ पर कुछ अच्छा हो गया, हम यहाँ चल रहे हैं ऊपर, देखिए कुछ अच्छा है। अब यहाँ चलूँगा मैं पैदल, ओखला हेड में जा रहा हूँ, बटला हाउस से निकला हूँ आपको मैंने बताया। और ये देखिए ठीक फुटपाथ पे ही ये दो पिलर है, एक ये देखिए और एक ये देखिए। अब इसमें से पैदल आदमी कैसे जाएगा, या तो आप इसके अंदर घुस के जाइए और या नहीं तो नीचे जाइए। नीचे जाएंगे तो ये देखिए बस जा रही है, टेम्पू रुका हुआ है, इधर से लोग आ रहे हैं, इन सबकी जद में आप आ सकते हैं, पैदल चलने वालों को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, देख लीजिए। तो मैं घुस के जा रहा हूँ इस बीच रास्ते से, ये देखिए मैं घुसा। अब यहाँ से कुछ दूर में आया तो एक और पिलर यहाँ मुझे मिल गया, और यह खूबसूरत ये देखिए ये पेड़ गिरा हुआ है, इससे भी चोट लग सकती है आपको, ये देखिए बिल्कुल रोड पे ये फुटपाथ पे ये पेड़ गिरा हुआ है, देख लीजिए। इससे बच के निकले हम तो यहाँ गए, यहाँ गए तो हमने सोचा कि चलो और आगे देखते हैं, हो सकता है रास्ता कुछ अच्छा मिल जाए। ये फुटपाथ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पैदल यात्रियों के लिए बनता है। अब ये देखिए अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ रास्ता ही बंद है, यहाँ पिलर है, ये देखिए एक पिलर इधर गिरा हुआ है, एक पिलर यहाँ ऊपर है, और यहाँ ये फुटपाथ पे देखिए चूँकि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा फुटपाथ, तो लोगों ने अपना जानवर यहाँ रखा हुआ है, बकरियाँ रखी हुई हैं, देख लीजिए ये फुटपाथ है, ये मैं बकरियों के बीच से गुजर रहा हूँ, ये फुटपाथ है पैदल चलने के लिए बना था, ये वो रास्ता है, देख लीजिए यहाँ भी पिलर है। अब ये फुटपाथ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देख लीजिए आप, बटला हाउस से निकला हूँ, ओखला हेड की तरफ जाना है, फुटपाथ के रास्ते, फुटपाथ की शक्ल कैसी आपको मिल रही है वो देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये फुटपाथ है ना, पैदल चलने के लिए यहाँ पे देखिए फुटपाथ पे क्या बना हुआ है, ये देख लीजिए आप। अब इससे कैसे गुजरूँ मैं, इस फुटपाथ से कोई बताए मुझे कि मैं कैसे गुजरूँ, कैसे जाऊँ, इधर किनारे आऊँगा तो ये भाई साहब किसी ने लगा रखा है यहाँ पर चोट लगेगी, अंदर घुसूंगा तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है, ऐसे कैसे घुसूं। मान लीजिए हमने घुसने की कोशिश की और घुस के निकल गया मैं, ये देखिए आगे फिर एक खंभा आ गया, फुटपाथ जिसको पैदल चलने के लिए बनाया गया था लोगों के लिए, उसमें तरह तरह की रुकावटें हैं, एक दो जगह नहीं है, हर जगह रुकावट ही रुकावट है, या तो गंदगी है या कुछ रखा हुआ है या पिलर ही है, गवर्नमेंट का ही पिलर विलर कुछ लगा हुआ है। ये देखिए आगे बढ़ गए हम, अब क्या मिल रहा है हमको आप देख लीजिए, इतनी दूर में मुझे कहीं कोई अच्छी जगह नहीं मिली जहाँ पैदल आराम से चला जा सके। यहाँ देखिए ये देखिए ये पिलर है, ये वो है, ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से जाएं तो किसी ने पेशाब किया हुआ है, नीचे उतरे तो किसी ने परमानेंट अपनी गाड़ी लगा दी है, कि कितने दिनों से गाड़ी रुकी हुई है, देख शक्ल से डर लग रही है तो महीनों सालों से किसी ने यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए ये फुटपाथ है, हम चल रहे हैं फुटपाथ पर, इसी तरह कितनी परेशानी है, कहीं कोई पेशाब किया हुआ है, कहीं पिलर है, कहीं फुटपाथ टूटा हुआ है, कुल मिला के अब हम ओखला हेड तक पहुंचने वाले हैं इसी टूटे फूटे रास्तों से। और ये देखिए ये फुटपाथ है जहां आपको चलना था पैदल, वहां कुछ लोगों ने अपना कपड़ा सुखाया हुआ है। अब इस पर कैसे चलेंगे आप देखिए, ये रास्ता देखिए कैसे चलेंगे आप, टूटा हुआ देखिए कितना टूटा है, इधर से लोग गुजर रहे हैं आप देख रहे होंगे, देखिए आपको चलना है इस पर, जो पैदल चलने वाले हैं वो इस पर चलेंगे, और कैसे चलेंगे समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए, ये फुटपाथ ख़त्म हो गया, और यहाँ पे दरगाह का बोर्ड लगा हुआ है, दरगाह हज़रत सैयद ख्वाजा बिलाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको। ये फुटपाथ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब बताइए जब बटला हाउस से मैं यहाँ तक ओखला हेड तक फुटपाथ पर पैदल चल के आने की कोशिश की मैंने, तो कितनी सारी परेशानियाँ मुझे मिली। यानी कि जो लोग भी बटला हाउस से पैदल आना चाहते हैं फुटपाथ के ज़रिए, उनको किसी भी हाल में ये रास्ता मुनासिब नहीं लगेगा, वो कभी भी नहीं आ सकते। आप ये देख लीजिए इधर से गाड़ी वाड़ी आ रही है, आपको दिख रही होगी, और यही वो फुटपाथ था जहाँ से चलकर
हमने आपको बताया कि बटला हाउस से जो फुटपाथ बना हुआ है ओखलाहर तक जाने के लिए, वो कहीं भी मुश्किल से 5 मीटर भी ऐसा नहीं है कि उस पर आप आसानी से चल सकें। कहीं पर गंदगी है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, कहीं सरकार ने पिलर ही लगा दिया है। ऐसे में भला बताइए कि जिन लोगों के लिए बना है उनको फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे फुटपाथ के बनाने का। इस जगह को देखिए, अगर कोई आदमी उधर से बटला हाउस की तरफ से फुटपाथ पे आना चाह रहा है तो कैसे आएगा? यहाँ तो बीच में झाड़ी है ठीक फुटपाथ पे, और अगर वो नीचे उतर जाए किसी वजह से तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है क्या उससे उसको धक्का नहीं लग जाएगा? सोचिए आप, एक तो इलीगल ये भाई साहब गुजरे इधर से, तो दूसरा भी गुजरा, और जो लोग उधर से आ रहे हैं वो भी सही तरीके से आ रहे हैं, तो ऐसे में भला कोई आदमी अगर पैदल आ रहा होगा तो यहाँ पे कैसे नीचे आएगा? और फुटपाथ पे अगर वो आना चाहे तो इसलिए नहीं आ सकता कि यहाँ पे झाड़ी है। देखिए पूरी तरह से बंद है ये फुटपाथ। आपने देखा कि बटला हाउस से जब ओखलाहर तक हमने जाने की कोशिश की तो रास्ते में कितनी परेशानी आई। फुटपाथ पे चलकर ओखलाहर तक जाना बिल्कुल नामुमकिन है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फुटपाथ बन गया। जिस इंजीनियर ने इस फुटपाथ को बनाया उसे फ़ायदा हो गया, जिस ठेकेदार ने फुटपाथ को बनाया उसे फ़ायदा हो गया, जो नेता इस फुटपाथ में शामिल है उसे फ़ायदा हो गया, लेकिन ये फुटपाथ जिन लोगों के लिए बनाया गया था उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा ऐसे फुटपाथ को बनाकर?